Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Well, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो बैक कैमरा मुझे लगा सही है, ऐसे ही आज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैं ना फ्रंट करती हूँ और डायरेक्ट मुझे मेरा मुँह ऐसे ज़िप कर देता, तो वो मुझे नहीं देखना. एनीवेज, आज का व्लॉग, पहली चीज़ तो मेरा आज दूसरा पेपर है, तो अच्छा ही होगा, अच्छा होना चाहिए, होगा क्या. तो अभी मैं रेडी हुई हूँ जिम के लिए. सी, इसके बाद वहीं से मैं जाऊँगी क्लास पे, और शायद आज क्लास के बाद हम सब कहीं जाएंगे. लेट्स सी कहाँ जाते हैं, अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान बदल सकता है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. और सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है ताकि ये बरकरार रहे, और अगर हमारा प्लान बन गया कहीं जाने का, तो मेरा तो मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए ना कि मैं तैयार नहीं हुई और मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई. तो इसलिए मैं रेडी हूँ ऑलरेडी. अभी बस मुझे थोड़ा सा रिविजन करना है ताकि मेरा दिमाग जो है ना उसमें सब रहे, कुछ आजू बाजू ना हो जाए. सो स्टे ट्यून्ड, बाकी मिलती हूँ जिम जाके. टिल देन बाय. वेल, तो अब हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मुझे भूख लगी है, और क्यों जाएंगे. सो आई एम ऑलमोस्ट, सब सो रहे हैं, सो लेट्स जस्ट टेक आउट. अंडे कहाँ है यहाँ पे? आई गेस एक बहुत है मेरे लिए, एंड देन चाय बनानी है और ब्रेड भी उधर है. सो किचन नहीं है ब्रेड तो. अब हम किचन में आ गए हैं. सो किचन बहुत मेसी हो रहा है, तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या दिखाऊं. लेट मी जस्ट मेक द ब्रेकफास्ट फर्स्ट और फिर मैं दिखाऊंगी. वेल, तो मेरा ब्रेकफास्ट इज रेडी. वाओ, मैं पीछे भी नजर आ रही हूँ, सी दैट्स मी. So yes, let me show you. ये रहा मेरा खूबसूरत सा अंडा, जिसको मैंने बहुत ध्यान से पकाया ताकि जले नहीं या खराब नहीं हो. तो कौन सा तीर मारा? Anyways, तो अब नाश्ता बन गया, तो नाश्ता करूँगी और नाश्ता करके गाड़ी कराऊँगी, फिर उसके बाद मैंने जिम जाना है. सो कहीं जाना नहीं, स्टे ट्यून्ड. और अगर 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 किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गो अहेड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये वीडियो भी लाइक कर देना. मैं भी ज़्यादा शोर नहीं डाल सकती, क्योंकि ना मेरी मम्मा सो रही है अंदर, और अगर उनको मेरी आवाज़ आ गई तो उसी व्लॉग में साथ गालियाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहती. राइट का वेट कर रही हूँ मैं, तो रेडी हो गए. कोट को तो मैं हाथ में नहीं पकड़ सकती, इसलिए मैंने इसको ऊपर से पहन दिया. एंड यस, मुझे रास्ते में रुक के ATM भी मारना है, तो ये ठीक रहेगा. अब पता नहीं ये राइड कब आएगी और मैं कब जाऊँगी. सो लेट्स सी. वेल, मैं घर से निकल चुकी हूँ, और पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है कि मैंने जहाँ जल्दी पहुँचना होता है वहाँ मैं लेट पहुँच रही हूँ. पर अब क्या कर सकते हैं, आई एम जस्ट वेटिंग. जिम पहुँच कर फिर पता चलेगा. और मैंने पहने हैं गोल्डन ईयर रिंग, जो मुझे अच्छा लग रहा है. ये ग्लासेस मैंने इसलिए पहन लिए हैं क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आज ना सूरज हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया. अगर मैंने ही सन ग्लासेस रख लिए अपने साथ, तो सूरज भी मेरे मुंह पर ही निकल रहा है. समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, सफ़र इतना लंबा हो गया है, जैसे कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ, अरीना नहीं. और जिम आते ही मैंने फ़ौरन से चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा, आई एम ऑलरेडी वेरी लेट. तो बस अब अंदर चलते हैं. एंड Thank you.
बचा क्योंकि 10:41 हो रहे हैं ऑलरेडी एंड 11 बजे तक मुझे पहुंचना है क्लास पे, पेपर है मेरा, तो रेडी होती हूँ और रेडी होके आई बी बैक। वैसे क्या रेडी होना है, बस चेंज करना है थोड़ा सा फ्रेश अप होके, तो लेट मी गो एंड चेंज एंड आई बी बैक, टिल देन स्टे ट्यून। वैसे मेरा डोला अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं कब बहुत ज़्यादा आएगा, ये अभी भी नहीं है, कौन नहीं है, कब आएगा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, कभी तो आ ही जाएगा। ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग नाउ, टाइम पे पहुंच जाऊंगी होपफुली, गाड़ी वेट करिए, सो लेट्स गो। पेपर याद किया है, पेपर याद किया है, क्या करोगी पेपर में? मेरा पेपर हो गया एंड हो गया, मैंने कौन सा कुछ पढ़ा था, तो फिर भी इट्स नॉट बैड, अगर अच्छा ऐसा भी हुआ है तो नाउ गोइंग डाउन। घर की हूँ बस, ना पेपर हो गया, मैं घर जा रही हूँ। कहाँ जाना है? दूर तुझे से जाऊँ मैं कहाँ, चल चल और ऊपर करो टांग, और ऊपर जाएगी अभी। जल्दी करो शुमाइमा, इसको नहीं करो, नहीं जा रही, एंड नाउ वी आर ऑन द वे, और हम जा रहे हैं अरीना। हमारा प्लान था सुपर स्पेस का, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि इनको बहुत दूर पड़ा था सुपर स्पेस, तो फाइनली वी आर गोइंग माई सेकेंड होम अरीना। और आज हम सारे आए हैं वापस सुपर स्पेस का प्लान करके, मुझे फिर मेरे सेकेंड होम ले आया। चले अंदर, अब हम अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर जाके दिखाते हैं क्या हो रहा है। और ये हम आ चुके हैं किड सेक्शन में, आई गेस कुछ भी काम का नहीं है, आई गेस आई शुड गो बैक। ये इसको जोश और जुनून आ गया। वाओ, वेरी डेंजरस। ऐसी चली जाओ अंदर बोल के, तू सब कर रहे तो आ, टेम्परेचर तो आप सही रखे ना यार। Thank you.
हूँ।